अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास 18 अगस्त हो चुका है। आज हम अपने कुछ पौधों को बोनसाई की शक्ल देने वाले हैं। ये मेरे पास कुंडाली है, इसमें चार सुराख हैं, ठीक है नीचे, और इसमें हमने जो थे अपने ये ड्रेक के पौधे लगाए थे जो हमने शिफ्ट कर दिए कल प्लास्टिक वाली में। इसकी वीडियो अभी थोड़े दिनों तक आ जाएगी, तो आज हम इसमें लगाने वाले हैं ये अपने अमलोक के पौधे। नहीं, मेरे पास तकरीबन 5-6 पौधे हैं, देखेंगे कितने निकलते हैं। मिट्टी हम ये पुरानी यूज़ करेंगे और हम इसमें कुंडाली में लगा देंगे। तकरीबन काफ़ी बड़ी कुंडाली है, इतनी छोटी भी नहीं है, और नीचे इसके सुराख हैं ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा नीचे से निकलता रहे। तो चलें दोस्तों, हम जल्दी से फटाफट अपनी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पौधे को देख लें, इनकी जड़ें नीचे से जो हैं बाहर आने लग चुकी हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हमारे पौधे बड़े हैं और एक दो जो हैं वो छोटे हैं। बिल्कुल जो छोटे हैं जैसे ये है और ये है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये नींबू के भी कुछ पौधे निकल आए हुए हैं, इनको हम निकाल के फेंक देंगे। हम पहले इसको भर लेते हैं। अब हम निकालते हैं पौधों को स्लो स्लो। तो दोस्तों, मैंने इसका सीमेंट का कड़ा भी बनाया था ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है थोड़ा हम इसे ज़्यादा दे सकें। वो भी हम इधर रख देंगे एक साइड पे, थोड़ा इसको पीछे से उठा के रखेंगे जब भी इसे रखेंगे जिस जगह पे, ताकि पानी जब हम इसे वो ज़्यादा अंदर रह सके कुछ वक्त के लिए। जब भी आपने ये काम करना है, कोशिश करनी है कि जड़ें मत टूटें, और शाम के वक्त आप ये काम करें। तो अभी शाम के तकरीबन 6:15 का वक्त हो रहा है और मैं ये काम कर रहा हूँ। इसे आपने अब शेडी एरिया में रखना है तकरीबन 15 से 20 दिन। ये अपनी जड़ें पकड़ लेंगे, फिर हम इन्हें बाहर धूप में निकालेंगे। तो अभी मे भी ये मुरझा भी जाएँ क्योंकि इनकी जड़ों को हवा लग चुकी है, तो मगर आपने परेशान नहीं होना, इन्हें कुछ नहीं होगा। पानी आप शावर की मदद से भी दे सकते हैं और सिंपल किसी चीज़ से भी, मगर पहला पानी अच्छे तरीके से देना है आपने। मिट्टी ऑलरेडी गीली थी तो आई थिंक इतना ये पानी नहीं पिएगी। आप चाहें तो अब इसे इधर ही पड़ा रहने दे सकते हैं, मगर चूंकि हमारे यहाँ पे धूप आती है तो हम इसे यहाँ से हटा लेंगे और
अंदर पिंजरे में, ये जो बड़ा पिंजरा है हमारा, उसमें रखेंगे। बोंजे बनाना कोई बड़ी साइंस नहीं है दोस्तों। हाँ, थोड़ा आपको पहले टाइम लगता है, मगर फिर आपको उसकी आदत हो जाती है। अभी हम इनको इधर ही पड़ा रहने देंगे, ठीक है, कुछ वक्त के लिए, अभी थोड़ी देर तक, फिर हम इन्हें उठा के अंदर रखेंगे। देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसमें मेरे पास तकरीबन 5 पौधे हैं, 2 साइडों पे हैं और एक भरा ज़रा दरमियान में, और 2 छोटे साइडों पे। और ये देखने पे भी बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे जैसे मिट्टी थोड़ा पानी पिएगी, नीचे बैठेगी, तो हम थोड़ी मिट्टी मज़ीद ऐड कर देंगे। चलें दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी साइंस नहीं है। मैं चलता हूँ, आप चाहें तो इसे ऊपर से काट सकते हैं ताकि ये मज़ीद बुशी हो, मगर अभी हम ये काम नहीं करने वाले। हम चाहते हैं पहले ये जड़ें पकड़ लें, उसके बाद हम इसकी कटिंग करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़े दिनों तक, तो इसकी सेकंड अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।